मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कि जैसा पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, यज्ञोपवीत क्या होता है, यज्ञोपवीत कौन धारण कर सकता है और यज्ञोपवीत क्यों धारण करना चाहिए, तो आज मैं आपको यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र और कुछ नियम बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ यह जानकारी भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र बता देता हूँ। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसको देख सकते हैं, बाकी मैं आपको बोलकर भी बता देता हूँ। इसका जो मंत्र है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत सहज पुरुषात् आयुष्मग्रम प्रतिमोच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। दोस्तों, यह मंत्र होता है, यह मंत्र मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रहा हूँ और इसका एक आप इसको याद कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पढ़ने समय। और कुछ जनेऊ के जो नियम होते हैं, यज्ञोपवीत के जो नियम होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि जनेऊ कंधे के सरक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए, गिर जाए, टूट जाए, शौच आदि के समय पर कान पर डालना यदि आप भूल जाते हैं, या तो अस्पृश्य से स्पर्श हो जाए तो उस कर्म में, जैसे कि मरण शौच हो गया, श्राद्ध हो गया, यज्ञ हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया व चंद्र ग्रहण हो गया, इसके बाद आपको नया जनेऊ धारण करना चाहिए। गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम वाले दो जनेऊ धारण करें, ब्रह्मचारी एक जनेऊ धारण करें, वह सन्यासी के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह भी जानकारी आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, नमस्कार।